वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं बट आज मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के बीच में। तो पहले जान लेते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। जब भी आपकी जो कोई भी कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होती है, जिसके जब वो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अब क्योंकि ब्लड सप्लाई उस एरिया की जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी उस एरिया की ब्लड सप्लाई, तो वहाँ पे हमें ना तो कोई फूड जाएगा ना ही ऑक्सीजन जाएगा। तो वहाँ की जो मसल्स हैं ना, उनको जो फूड चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो डाई होने लगेंगी। हाँ, और हम इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। आपने सुना होगा एमआई के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई के बारे में पहले भी। तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है, तो जैसे कि हार्ट अटैक है वैसे ही हार्ट फेलियर भी होता है, बट इसमें क्या रहता है ना, इसमें प्रोग्नोसिस जो है ना वो स्लो रहती है। हार्ट अटैक एक्चुअली ना सडन होता है, यानी सडन आप देखेंगे कि जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है, कोरोनरी आर्टरी, एंड उसके कारण अटैक आ रहा है। बट इन केस अगर हम बात करें कि हार्ट फेलियर होगा, वो एक्चुअली बहुत स्लोली होगा और इसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो बहुत स्लोली स्लोली होगा। जैसा कि हार्ट अटैक में हो रहा था कि सडन ब्लॉकेज हो रहा था, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सप्लाई जाना बंद होगी, मतलब कि वहाँ की जो एक्चुअली में कोरोनरी आर्टरीज है ना वो धीरे धीरे मतलब कम होती जा रही है, उसके अंदर का जो एरिया है ना वो पतला होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा नैरो होता जा रहा है, इस कारण से वहाँ ब्लड धीरे धीरे कम जा रहा है। ओके, और वो धीरे धीरे होगा तो हम उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। अब बात करते हैं एक और वर्ड जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट की। तो एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होना मतलब कि जो आपका हार्ट है ना वो पंप होना ही बंद कर देगा, यानी कि हार्ट आपका टोटली स्टॉप हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वहाँ पे पंपिंग हो रही थी, ब्लड सप्लाई हो रही थी, वो स्टॉप हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट कंप्लीट हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है, और हार्ट अटैक में कहीं एक एरिया पे हार्ट के ब्लॉकेज होता है। ओके, एंड सडन होता है हार्ट अटैक में, और अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपको लग रहा है कि उसको सडन वो है कोलैप्स हो गया, यानी एकदम से वो गिर गया, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको उस पेशेंट को, जो भी पर्सन है उसको तुरंत आपको सीपीआर देना है एंड प्लस एम्बुलेंस को कॉल भी करते देना है। तो साथ में आपको दोनों ही काम करने हैं, एक जन एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए और एक को ही सीपीआर दे दीजिए। और सीपीआर में आपको रुकना नहीं होता, इसका पूरा जो प्रोसेस है उसका मैं वीडियो लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि इन केसेस में आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हेल्प करेंगी। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो है गोल्ड ड्रॉप्स के बारे में। गोल्ड ड्रॉप्स जो है ना वो आपके हार्ट के लिए एक, इसे हम हार्ट टॉनिक कहते हैं, कि क्योंकि ये आपके पूरे हार्ट को, आपके पूरे सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपको कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बाकी जो भी सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं आपको, तो आप क्या करिए कि आप ये गोल्ड ड्रॉप्स ले लीजिए, और इन्हें 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सिम्टम्स हैं ना वो कम होने लगेंगे। ओके, ये जो मेडिसिन्स हैं ये ऐसी नहीं होंगी कोई भी मेडिसिन कि मतलब आप सोचें कि एकदम ही आप ठीक हो जाएं। ओके, एक दिन में आप ठीक नहीं हो सकते, आपको कम से कम 6 मंथ्स तक ये मेडिसिन लेनी है। अगर आपकी कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है पहले से तो आप उसे बंद ना करें, बिल्कुल भी बंद ना करें, साथ में इस मेडिसिन को लें, यानी कि आप साथ में गोल्ड ड्रॉप्स को लें और वो मेडिसिन भी लेते रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा और आपका जो बेनिफिट है वो डबल हो जाएगा। जैसा पहले आपकी जो मेडिसिन चल रही है उससे थोड़ा बहुत जो आपको आराम था उसे अब आपको ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप ये यूज़ करें, हो सकता है कि आपकी बाकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो भी बंद हो जाए इसे लेने के बाद, बट फिर भी आपको इसे लेना स्टॉप नहीं करना है, इसे आपको रेगुलर ही लेना होगा।
कम से कम इसे 1 साल तक लें और देखें क्या फ़र्क आ रहा है, उसके हिसाब से लें। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो किसी डॉक्टर से जाके कंसर्न करें, उनसे बताएं, उनसे बात करें एंड देन इसे लें, या आप पहले लेना स्टार्ट कर दें या उनसे बात करके फिर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। और भी मेडिसिंस हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा कि आप गोल्ड ड्रॉप्स लीजिए, और अगर आप गोल्ड ड्रॉप्स नहीं ले रहे हैं तो मतलब गोल्ड ड्रॉप्स, इसके अलावा एक और आती है डॉक्टर रिक्वे की R2 एंड R3, अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कम्प्लीटली बहुत बेनिफिशियल होता है, मतलब इसे दोनों को लेने से आपको किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम होगी ना तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप R2 एंड R3 दोनों को मिलाकर लीजिए, दोनों के 10-10 ड्रॉप्स लीजिए या दोनों के 5-5 ड्रॉप्स लीजिए। दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर लें इसे, सुबह और शाम को, और 3 बार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसे आपको लेना कैसे है, तो इसे आपको 1/4 कप पानी में लेना है, पानी में डाल के ले सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट टंग डोज ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप डायरेक्ट अपनी जीभ पे मेडिसिन डाल के लेते हैं तो। और अगर वैसे नहीं ले पा रहे हैं, आपको दवाइयों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे पानी में लीजिए, वो भी बेनिफिशियल होता है। जब भी आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो उस टाइम पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको दवाई लेते समय आपका जो माउथ होगा ना वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी अभी कुछ ऐसा खाया, लाइक प्याज खाया है, लहसुन खाया है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऐसा वाला खाना कुछ खाया है और आपने का जो माउथ है वो साफ है नहीं है, आपने पानी नहीं पिया है, तो आप पहले अपने माउथ को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन लेंगे, बहुत अच्छा असर करेगी। प्लस एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आधे घंटे के बाद तक आपको पानी भी नहीं पीना है मेडिसिन लेने के, ओके, तो आधे घंटे का गैप रखिए तो बहुत अच्छा होगा। ये सब करेंगे जो कि मैंने आपको कहे पॉइंट्स, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। किसी भी प्रकार की और जानकारी के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमें मेल करिए हमारी ईमेल एड्रेस पर, वहाँ से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, एंड देन आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और ये जो